एक श्रमिक संगठन को ठेकेदार के रूप में वर्गीकृत करते समय वित्तीय क्षमता का प्रमाण पत्र यानी क्रेडिट प्रमाण पत्र श्रम संघ या सहकारी समितियों के जिला उप रजिस्ट्रार, यवतमाल, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और आदिवासी विभाग का एक स्वतंत्र सरकारी निर्णय है। इसके अलावा टेंडर प्रबंधन के लिए जिले के सभी शासकीय विभाग, मजदूर संघ व जिला उप पंजीकीय की मिली भगत से प्रत्येक कार्य के लिए कार्य का नाम दर्ज कर श्रमिक संगठन की क्रेडिट प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिसके चलते सरकार को आर्थिक रूप से लूट कर जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, जिला मजदूर संघ के अध्यक्ष और जिला उप पंजीयन धनी और लालची होने का मामला सामने आया है। इसका ताजा उदाहरण है ई निविदा सूचना संख्या 4 एवं 5 जिला जल संरक्षण अधिकारी यवतमाल द्वारा आमंत्रित विभिन्न सरकारी निर्णय यह बताते हुए जारी किए गए हैं कि यह शर्त निविदा से संबंधित नहीं है और यह शर्त किसी अन्य में नहीं है। यवतमाल जिले को छोड़कर जिले में साहेब ने जिला टीम से हाथ मिलाया और सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाया। साथ ही प्रतिस्पर्धी निविदाओं को अस्वीकार कर दिया गया था। जिला संघ द्वारा अपने श्रमिक संगठन को दिए गए प्रमाण पत्र में माननीय जिला कलेक्टर की बैठक का जिक्र किया गया है, लेकिन जब अमित देशमुख ने RTI में जानकारी मांगी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जिलाधिकारी ने ऐसी कोई बैठक नहीं की है। निविदा खुलने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि एक ही श्रमिक संगठन के साथ साथ दोनों निविदाओं में सभी 7 कार्यों को 0% की दर से पूरा किया गया है। इसमें जिला जल संरक्षण अधिकारी के साथ साथ उनके वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। सरकार के निर्णय के अनुसार नीति निविदा में दमनकारी स्थितियां नहीं डालने की है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के शर्तों को मंजूरी दे दी है। संबंधित विभाग के सचिव को शिकायत देने के बाद भी आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हे माझं पहिलं उत्तर आहे। अच्छा, दुसऱ्या याच्यात आहे पद्धतीची अट अगोदर नव्हती, आता या निविदेमध्ये अट कशी याबद्दल सांगाल असं काहीतरी आहे। हो बिलकुल। तर प्रत्येक मजूर संस्थेला त्यांच्या वार्षिक मर्यादेत 100 लक्ष रुपयेपर्यंतचीच कामं करण्याची ही आहे। त्याच्यानंतर आर्थिक पात्रता त्या मजूर संस्थेची असणे याबाबत प्रमाणपत्र आपण एकतर जिल्हा दुय्यम निबंधक यवतमाळ किंवा मजूर सहकारी संघ यवतमाळ यांच्याकडून पद्धतीची अट देण्यात आलेली आहे। त्याच्याशिवाय त्या मजूर सहकारी संस्थेची आर्थिक पात्रता सिद्ध होत नाही। पुढचा प्रश्न आहे, प्रत्येक कामावर 3 टेंडर आले हे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे सिद्ध झाले। या कामामध्ये सदर याच्यामध्ये 4 निविदा प्राप्त झालेल्या असून चारही 4 निविदाकारांनी भाग घेतलेला असून सदर निविदा ही पूर्णपणे ई निविदा प्रक्रियेनुसार राबविण्यात आलेली आहे। ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे ज्यांनी टेंडर सबमिट केले त्यांचे निविदाकारांचेच ते निविदाकार म्हणून त्यांना हे करण्यात आलेलं आहे। नियमबाह्य मुदत वाढ टेंडर या बाबतीत सदर निविदा ज्या दिवशी बंद करायची होती त्या दिवशी फक्त निविदेसाठी एकच निविदा प्राप्त झालेली होती त्या दिवशी, म्हणून सदर याच्यात मिनिमम 3 बिडर असल्याशिवाय आपण निविदा हे करू शकत नाही, म्हणून त्यांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे त्या दिवशी। VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्रे की रिपोर्ट। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।